साइलेंट दिस इज, यानी कि एकदम साइलेंट, चुपचाप, धीरे धीरे, कोई दबे पांव। दिस इज, ऐसी चीजें आती हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जो हमें नहीं चाहिए, मगर वो आती हैं। स्टोर में कॉकरोच आ जाते हैं, हमें कॉकरोच नहीं पसंद, और फिर आके वो धमाचौकड़ी भी करते हैं। हमारे एसी और कूलर में चूहा फंस जाता है, मर जाता है। जिस दिन वो मरता है उस दिन पता नहीं चलता, मगर कुछ समय के बाद जब वो बदबू मारता है तो सब लोग परेशान होते हैं। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट आते हैं, कुछ ऐसे विचार आते हैं, और वो विचार हमें धीरे 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 परेशानी देना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारी जो लाइफ ईजी थी, जो एक जॉयफुल लाइफ थी, जो हम अच्छे से एंजॉय करते थे, कर रहे थे, मगर उसमें धीरे धीरे खलल पड़ना शुरू हो जाता है। और सबसे पहला खलल ये होता है कि हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, हम अंदर ही अंदर से बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ किसी जानकार के साथ है कि वो आजकल कुछ अलग ही प्रकार की बातें करने लगा है, और आप चाहते हैं कि वो ना करे, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे। मेरे अब तक के पिछले 10 सालों के अनुभव हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपका कोई मेडिकल इश्यू है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और हम NLP के माध्यम से हम हेल्प करते हैं ताकि हम हमारी ज़िंदगी को खुशहाली से जी सकें। मन में कुछ भी थॉट आया कि भाई ये डिस ईज का, मन में एंजाइटी आई, बेचैनी आई, और हम गूगल पे डालते हैं, और गूगल क्या करता है उसके बारे में बहुत सारा बताता जाता है, बताता जाता है, बताता जाता है, और हम वो सिम्टम मैच करते जाते हैं, मैच करते जाते हैं, और धीरे धीरे वो मैचिंग इस तरह से हो जाती है कि जो हमारा जो सबकॉन्शियस है, जो 97% एनर्जी को डील करता है, वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये डिसीज मेरे पास है, हाँ ये डिसीज मेरे पास है, और उसके बाद हमारे फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए कि जब हमारे पास ये थॉट आता है और जब हम गूगल करते हैं, तो गूगल के साथ एक वर्ड और डालें, गूगल के साथ एक वर्ड और डालें कि इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट रेफरेंस क्या है, और जैसे ही हम इसका ऑपोजिट रेफरेंस डालेंगे तो आपको ऑपोजिट की चीज़ें मिलने लगेगी। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें बराबर है, फिर हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते जाना है। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अगर माइंड के लेवल पे ही है, वो बॉडी के किसी पार्ट पे कोई चीज़ नहीं गई है, तो माइंड के लेवल पे खुद से खुद बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अपना लें। जो अभी मैंने कहा, ऑपोजिट रेफरेंस एब्सेंट, हमको किसी ने कुछ भी कहा, हमको किसी ने कुछ भी कहा और हम उसको मान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे अजीज दोस्त हैं, हमारे स्टाफ में भी हैं, उन्होंने कहा कि साहब, जब मैं शाम को मीठा खा के सोता हूँ तो मेरे पैर में ऐंठन आती है, पाइंटे चलते हैं, अब बताओ इसका क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, आपको किसने बताया कि ये जो बाइंटे हैं ये मीठा खाने से आता है? तो उन्होंने 2-3 लोगों के नाम ले दिए। मैंने कहा, ये बताइए क्या वो डॉक्टर हैं? बोलो नहीं, डॉक्टर तो नहीं है। क्या वो फार्मा में काम करते हैं? नहीं, वो भी नहीं है। क्या वो इस तरह का काम करते हैं आयुर्वेद में या किसी प्रकार की रेमेडी में काम करते हैं? बोलो नहीं है। तो फिर आपने मान कैसे ली? बोलो मैंने तो मान ली क्योंकि जो जो हमने बातें की वो सारी की सारी होने लगी। तो अब उसका ऑपोजिट रेफरेंस देखें कि भाई घर में हमने मीठा खाया, घर में जितने मेंबर हैं सब ने खाया, क्या सबके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब मीठा दोषी नहीं है, इसका मतलब जो आपने शाम को मिठाई खाई उसकी वजह से होता तो सबके साथ होता, मगर सबके साथ नहीं है, सिर्फ आपके साथ है। इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा थॉट चला आ रहा है जो उस चीज़ को जनरेट कर रहा है। उसी प्रकार से एक हमारे और साथी हैं कि बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा पेन रहता था, दर्द रहता था, और उनको कहा कि कोई इसका इलाज नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जब हमने बात की तो बातों ही बातों में उनका पेन अभी तक जा चुका है, गायब हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें इतना देखना पड़ता है कि वो कह कौन रहा है और हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ दो संभावनाएं निकल के आती हैं,
एक संभावना होती है कि आम आदमी हम बातों ही बातों में बोल देते हैं भैया ऐसे है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, उस पर तो हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। मगर कोई अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे कोई एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं साहब इसका इलाज नहीं है, वो ये कह रहे हैं इसका इलाज नहीं है, तो हमें एक चीज़ सोचने कि वो एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो एलोपैथी के हैं या वो आयुर्वेद के हैं, वो होम्योपैथी के हैं या यूनानी के हैं या प्राकृत, वो किसी एक फील्ड को बिलोंग करते हैं। अब हमें उस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में चले जाना है, देखेंगे उस फील्ड में इसका क्या सोल्यूशन है। और वेरी सरप्राइजिंग, आप देखेंगे कि एक फील्ड में जिसका इलाज नहीं है, दूसरे फील्ड में उसके कई सारे इलाज हैं। और ऐसे केसेस आपने अपने आसपास देखे भी हैं और आप उनको जानते भी हैं। तो यहाँ पे जो पर्पज जो मेरा है वो ये कि जो ओपोजिट रेफरेंस है, ओपोजिट रेफरेंस दो लेवल पे काम आते हैं। एक तो एक आम आदमी के जन धारणा के लेवल पे काम आते हैं, किसी ने ऐसे ही कह दिया अच्छा ऐसे तो ऐसे होता है, ऐसे तो ऐसे होता है, ये रोग तो ठीक ही नहीं होता, तो वहाँ पे सवाल करना है कि एक्सपर्ट है या नहीं है। अगर वो एक्सपर्ट है तो फिर हमें डिसिप्लिन बदल सकते हैं, जैसे मान लो एलोपैथी से हम आयुर्वेद में जा सकते हैं, आयुर्वेद से हम एलोपैथी में जा सकते हैं, या ऐसे बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमें सोचना होता है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे जो डिस ईज है वो डिस हट जाता है और ईज हमारी लाइफ में मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज यूनिक विथ मी, यानी कि कोई डिस ईज है, यानी कि कोई अनकम्फर्ट मेरे पास आया है तो ऐसा मेरे पास क्या है, ऐसा क्या है मेरे पास जो सिर्फ मेरे में है औरों में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मुझे बार बार जुखाम क्यों होता है, मुझे ही क्यों होता है बार बार जुखाम, मेरा ही मौसम बदलते में नाक क्यों चलता है, मेरा ही क्यों, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आती है। अब इस केस में ये देखना है कि भाई मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो और लोग नहीं कर रहे है, वो औरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे पास ही ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि थॉट के लेवल पे या हो सकता है फिजिकल लेवल पे, अगर कोई फिजिकल लेवल पे कोई चीज़ हुई है तो इलाज है सीधा सीधा, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं बहुत सारे, वहाँ तो इलाज हो जाता है, वहाँ प्रॉब्लम आती ही नहीं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब थॉट के लेवल पे, माइंड के लेवल पे कोई चीज़ जनरेट होती है और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो उस दशा में हमें ये देखना है कि भाई ऐसा क्या है जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा क्या है जो मैं सोच रहा हूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। और जैसे ही हम अपने आप से बात करते हैं, हम अंदर जाते हैं, अपने आप को खंगालते हैं, तो पता चलता है अच्छा इस चीज़ के लिए तो मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसा तो है ही नहीं। और यानी कि हमारे जो बिलीफ हैं वो बिलीफ हमारे टूटते हैं। हाँ ये भी सच है कि बिलीफ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर दूसरा व्यक्ति आपका बिलीफ तोड़ नहीं सकता, तो फिर हमारा बिलीफ हमें ही तोड़ना होता है, हम ही तोड़ सकते हैं, दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। और बिलीफ तोड़ने के लिए हमें सवाल पैदा करने पड़ेंगे, जैसे मान लो कि मुझे मौसम चेंज होते ही जुखाम होती है, तो पहला तो ये देखना है कि अगर मौसम चेंज होते ही जुखाम होती है तो सबको होती, मगर सबको नहीं हो रही है, सिर्फ मुझे हो रही है, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट है जो इस मौसम से जुड़ा हुआ है, इस मौसम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से हम बहुत सारी बुक्स हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और हमें उस चीज़ का ईज हमें मिल सकता है और डिसीज हमारा जा सकता है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अवॉइडिंग अनदर पॉसिबिलिटीज, अनदर पॉसिबिलिटीज यानी कि एक सिस्टम में हमारे पास फेल्योर मिला, यानी कि एक चिकित्सा पद्धति में हमें इलाज नहीं मिला है और दूसरी चिकित्सा पद्धति में इलाज है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। हम लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम बड़े कमाल के तरीके से इग्नोर करते हैं। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ और मुझे पता है कि मेरा एक्स दोस्त है या मेरा एक्स जानकार है या फलां उस जगह पे वो पर्सन है और वहाँ पे इसका इलाज हो जाएगा श्योर, मगर हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं अदर चिकित्सा पद्धतियाँ, जो वहाँ पे कोई डर नहीं है और डर नहीं है वहाँ पे हम जाते नहीं। हमारे पास जो अनदर पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जो विकल्प आ रहे हैं, और एक और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ऊपर वाला प्रकृति जिसको भी आप कहें, उसका एक बड़ा कमाल का रूप देखने में आता है कि जैसे ही आपके पास कोई परेशानी आती है तो
वो प्रकृति है वो उसके समाधान भी देती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत आएगा, हो सकता है किसी का फोन कॉल आ जाए, हो सकता है कोई आपके सामने वीडियो निकल के आ जाए, हो सकता है कोई दोस्त आपको मिल जाए, हो सकता है कोई अखबार में आप पढ़ लें, मगर कुछ न कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ न कुछ आपके पास प्रकृति देगी कि भैया तेरा यहाँ तो भला नहीं मगर यहाँ तेरा पूरी तरह से भला है, पूरी तरह से आपका सक्सेसफुल सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको पकड़ लो, इसको फॉलो कर लो, इसको काम में ले लो। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन के तौर पे ये कि हमारे आँख कान नाक यानी कि हमें अवेयर थोड़ा सा रहना, हमें जागृत रहना है, हमें कोशिश करनी। अच्छा इसका कोई मैसेज आया है, कोई चीज़ हमें सामने आई है तो इसका कोई ना कोई तो मतलब है, क्योंकि जो प्रकृति है ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, ये सबका भला करती है, सबका अच्छा करती है। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी ओपिनियन है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी सुझाव है, मैं स्वागत करता हूँ। और आपकी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं स्वागत करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर या मुझ तक पहुंचाइएगा जरूर। NLP एक ऐसा टेक्निक है, माध्यम है, जिसमें बातों ही बातों से जो हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि जो थॉट के लेवल पे जो चीज़ें बनी है यानी कि थॉट के लेवल पे जो चीज़ें खराब हुई है उनका करीब करीब चीज़ों में इलाज हो जाता है, क्योंकि NLP के अकॉर्डिंग हम किसी भी ओल्ड थॉट यानी कि ओल्ड मेमोरी को हम डिलीट कर सकते हैं, हम उसको इरेज कर सकते हैं और हम किसी भी नई अच्छी मेमोरी को हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब करिए, गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आप खुद ही ईजाद कर सकते हैं। और इसके सबूत के तौर पे कि आज के 20 साल 50 साल 100 साल पहले उनके पास, आप ध्यान से देखें, उनके पास कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ थी, कई प्रकार से वो लोग उपचार किया करते थे, वो भी एक प्रकार का इलाज था। तो आज भी ऐसे बहुत सारे संभव हैं, हिम्मत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं, जो आपके पास विकल्प आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है और फॉलो करने की ज़रूरत है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी जिएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।